एस लियोन को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, और इधर लियोन आता है और एस से बोलता है, कांग्रेस एस, अब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, लेकिन तुम्हें इससे पहले पाले रीजन जाना होगा, जहाँ पर चैंपियंस रैंक लीक होती है, जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा और सभी को हराना होगा। इस लीग में 7 सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आएंगे पूरे वर्ल्ड से। तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए उन 7ों को हराना होगा। इसके बाद लियोन एस को एक बड़ा सा कप देता है और यहाँ गोमियो को पकड़ लेता है। उसे पता चलता है कि एस वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, तो एस से मिलने के लिए गो आ जाता है, लेकिन एस पहले ही पाली रीजन के लिए निकल जाता है। गो लियोन से मिलता है और पूछता है, लियोन एस कहाँ है, मुझे अपनी म्यू के साथ एस से बैटल करनी है। तो लियोन बताता है कि गो एस तो पाली रीजन के लिए निकल गया है। गो बोलता है, क्या एस पाली रीजन के लिए चला गया, मुझे भी जाना है। इतना बोलने के बाद गो वहाँ से चला जाता है और यहाँ एस पाली रीजन पहुँच जाता है। एस जैसे ही पाली रीजन पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक रहस्यमय में पोकेमॉन दिखाई देता है। एस उस पोकेमॉन को देख के हैरान हो जाता है। कुछ ही देर में वह पोकेमॉन अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और एक बाइक जैसा रूप ले लेता है। एस उस पोकेमॉन के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, एस तुम यहाँ हो। एस पीछे देखता है तो उसे ब्रॉक दिखाई देता है। एस बोलता है, ब्रॉक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रॉक बोलता है, एस मैंने तुम्हारी और लियोन की बैटल देखी, तुम काफ़ी स्ट्रांग बन गए हो कांग्रेस वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। जब तुम वर्ल्ड चैंपियन बने तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं, तो मैं तुमसे मिलने आया तो पता चला कि तुम पाले रीजन में हो, तो मैं भी पाले रीजन आ गया। एस बोलता है कि अच्छा हुआ ब्रॉक तुम आ गए, अब सफ़र में और भी मज़ा आएगा, चलो चलें ब्रॉक। तभी उन्हें एक फ़ोन आता है जो एस की मोम का होता है। एस की मोम बोलती हैं, एस बेटा तुम कहाँ हो। तो एस बताता है कि मोम मैं पाले रीजन में हूँ। तो एस की मोम बोलती है, एस बेटा तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो एस बताता है, मोम मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए चैंपियंस रैंक लीग में जाना होगा। एस की मोम बोलती हैं, एस चैंपियंस रैंक लीग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होते हैं, आज तक उन 7 ट्रेनर को किसी ने भी नहीं हराया। एस बोलता है, मोम आपको कैसे पता इसके बारे में। एस की मोम बताती हैं, उन 8 ट्रेनर में से एक तुम्हारे डैड भी हैं। एस बोलता है, क्या मोम 8 ट्रेनर और मेरे डैड भी उसमें हैं। लियोन ने तो मुझे 7 ट्रेनर के बारे में बताया था, यहाँ पर 8 ट्रेनर कैसे आ गए। एस की मोम बोलती हैं, 8वें ट्रेनर तुम्हारे डैड हैं, उन 7ों ट्रेनर को हरा के वो एक पोकेमॉन मास्टर बन गए हैं। उन 7ों ट्रेनर को हराने के बाद तुम्हें अपने डैड से बैटल करनी होगी और उन्हें हराना होगा, तभी तुम एक पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। एस बोलता है कि क्या मोम, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे अपने डैड के साथ बैटल करनी है और एक पोकेमॉन मास्टर बनना है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, एस मैंने पाले रीजन में प्रोफेसर टोरू से बात कर ली है, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, तुम कहीं मत जाना। इसी देर में प्रोफेसर टोरू आ जाते हैं। प्रोफेसर टोरू एस को देखकर बोलते हैं, तुम्हारा ही नाम एस केचम है। तो एस बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम एस है, लेकिन आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता है और आप कौन हैं। प्रोफेसर टोरू बोलते हैं, मेरा नाम टोरू है, लोग मुझे प्रोफेसर टोरू बुलाते हैं, मैं पोकेमॉन का प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर ओक ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ आ रहे हो, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। एस तुम्हारे साथ ये कौन है। तो एस बताता है, ये मेरा फ्रेंड है ब्रॉक, ये एक पोकेमॉन ब्रीडर है और साथ में पोकेमॉन का डॉक्टर भी है। ब्रॉक बोलता है, हेलो मेरा नाम है ब्रॉक, आपसे मिलकर खुशी हुई प्रोफेसर टोरू। उसके बाद प्रोफेसर टोरू ने अपनी लैब में लेके जाते हैं, वहाँ पर एक नया ट्रेनर आया हुआ होता है जिसे अपना पहला पोकेमॉन चाहिए। वो प्रोफेसर टोरू के पास जाता है। प्रोफेसर टोरू उसे 3 नए पोकेमॉन दिखाते हैं। प्रोफेसर इन 3ों के बारे में उसे बताते हैं, यह है स्प्रिटिटो जो एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, अगला है पियोकोको जो एक फायर टाइप पोकेमॉन है, और आखिर में आता है क्वैक्जी जो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। अब वो ट्रेनर अपना पहला पोकेमॉन चूज कर ही रहा होता है, तभी एस आता है और वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है इन 3ों को देखकर। वो ट्रेनर एस को इग्नोर कर देता है और फ्यूकोको को चूज कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर टोरू से मिलने के लिए एक लड़की आती है। वह लड़की बोलती है, प्रोफेसर आपने मुझे बुलाया था। प्रोफेसर टोरू बोलते हैं, एस इससे मिलो, ये निमोना, ये तुम्हें पाले रीजन में गाइड करेगी। तभी ब्रोक निमोना का हाथ पकड़ लेता है और प्रपोज करने लगता है, और जैसे ही प्रपोज करने वाला होता है तभी उसका टॉक्सिक रॉक बाहर आता है और उसे उसकी पीठ पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और ब्रोक की हालत ख़राब हो जाती है। और इसके बाद वो ब्रॉक को खींचता हुआ, उसकी टांग खींचता हुआ उसे ले जाता है वहाँ से। तभी वहाँ पर क्वैक्जी आता है और एस के पैरों को सहलाने लगता है। तो प्रोफेसर टोरू बोलते हैं कि एस लगता है क्वैक्जी तुम्हें बहुत पसंद करने लग रहा है, एस तुम क्वैक्जी को अपने पास रखो और उसे ट्रेन करके एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनाओ। एस खुश हो जाता है और क्वैक्जी को गले लगा लेता है। और तभी निमोना बोलती है कि एस क्यों ना तुम्हारे नए पोकेमॉन के साथ एक बैटल हो जाए। तो निमोना प्रोफेसर टोरू से बोलती है, प्रोफेसर टोरू क्या मैं फ्यू स्प्रिटिटो को ले सकती हूँ।